अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे आटा गुड्डा, लेकिन ये नॉर्मल आटा गुड्डा नहीं होगा बल्कि चोर साइज होगा, थोड़ा छोटा साइज होगा इसका। और छोटा साइज बनाने की वजह ये है कि शीट्स हमारे पास, ये देखें, जैसे आप सामने देख रहे हैं दो डिफरेंट साइज की शीट्स है। एक है पूरा 20x30 इंच का साइज, जो नीचे रेड वाली है 20x30 इंच की, उसमें से फुल साइज का आटा निकल आता है। अक्सर शीट्स होती है छोटी, जैसे 18x28 की और 19x29 इंच की, तो उन शीटों में से प्रॉब्लम ये होता है पूरे साइज का आटा निकलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइड उसकी गोल करनी होती है तो वो फिर छोटी पड़ जाती है शीट। तो छोटे साइज का आटा बनाएंगे। और इसके जो तीलों का साइज है, गज है इसका 22 इंच का और कमान है 32 इंच की। अब जो कमान इसकी निकाली है वो 1.5 तावे के गज पड़ा हुआ था, उसको काट के उसमें से कमान निकाली है 32 इंच की। जो नॉर्मल आटा होता है उसकी जो साइज होता है तीलों का 24 इंच का गज होता है, 34 कमान होती है, तो ये 2-2 इंच जो है छोटा है। सबसे पहले इसका फर्मा काटेंगे, उसके बाद मजीद आगे गुड्डे बनाएंगे। तो फर्मा काटने के लिए मैं शीट यूज़ करूँगा फिलहाल, पहले छोटी वाली, और इसको साइड पे करते हैं। अब जैसे हम फोल्ड करते हैं ना शीट के बिल्कुल कोने से, इस तरह बिल्कुल चौरस बनाने के लिए, अब शीट इस तरह से फोल्ड नहीं करनी बल्कि यहाँ से 2.5-3 इंच पे थोड़ा आगे से इधर हाथ रखना और यहाँ से फोल्ड करनी है। और ये जो इसका किनारा है यहाँ पे, इसको ला के सीधी लाइन के साथ मिला देना इस तरह से। छोटी शीट हमने इस तरह से फोल्ड करनी है, ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल चौरस नहीं मैंने बनाया बल्कि यहाँ से 2-2.5-3 इंच पे गैप रख के फिर फोल्ड किया मैंने। अगला स्टेप, अब ये जो जहाँ पे हमारे पास शीट मिल रही है इसको बीच में से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर में से कुछ इस तरह से, और इसको ला के इस कोने के साथ मिला देंगे, ठीक है, ये आधा काम हमारा हो गया। 22 इंच का गज है, इंची टेप से मेजर करना है आपने 11 इंच पे, 11 इंच पे यूँ मेजर करेंगे इसको, यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है, इसको वापस खोल लेते हैं। निशान लग गया हमारे ही दोनों साइडों पे, काट लिया हमने। अब एक साइड यहाँ तक सीधी काट देंगे, दूसरी साइड यूँ से गोल काट देंगे इस तरह। अब यहाँ से तकरीबन आपने इस कोने से 1.5 इंच के गैप पर निशान लगा लेना, ठीक है, इस 1.5 इंच के गैप से फिर यहाँ तक सीधा काटना और ये साइड गोल कर देनी है। तो ये मैंने इसको काट लिया, कुछ इस तरह से बीच में से फरमा निकल आएगा इसका। तो बेहतर तरीका ये होता है, एक दफ़ा आप फरमा काट लें, एक दफ़ा सारी एडजस्टमेंट्स कर लें, उसके बाद उसको सेव कर लें, फिर उसको इस्तेमाल करके बाकी सारे काटते हैं।
ये आटा जी छोटे साइज का 32 कमान और 22 इंच का इसका ये भी बनाया, मजीद बना रहा था अभी, लेकिन वो ये कि लाइट चलेगी। टैडी भी बनाए हैं, गुड्डा ही बनाया, एक शीट में से 4-5 निकलते हैं। डाल कनी आज इसमें, आज माहौल बहुत है, हर साइड पे आटे के पेच हो रहे हैं, गुड्डा उड़ाते हैं हम भी, कदा पेच करते हैं। ये जो भी बनाया यही उड़ाएंगे, नहीं उसे एक ये पता नहीं किसके किसने उड़ाई भी हो गई, कट गई है। ये भी आटो के पेच कर रहे हैं। बाईस नंबर पे उड़ाया, 20 पे। ये भी बनाया, पता नहीं खुशक हुआ था कि नहीं, हो गया होना खुशक। चोर साइज आटा बेहतरीन बना, सीधा है बिल्कुल। काफी गुड्डे हो रहे हैं आज। ये किसी की डोर आई है पीछे, पीको है नैलो नाइस। ये ओड़ा जी अपना गुड्डा बेहतरीन, 20 नंबर पर पेश ले रहा है। इसके साथ कौन है ये, टोटा लगाना डोर, अगर सही खुली जान दिया से छोड़ टोटा लगाने को। ये पेच हुआ है, ओ जाया करवा दिया बेहतरीन। ये एक गुड्डे की फ्लाइट तुमने चेक कर लिया, प्रॉपर गेम शेम कोई नहीं अभी फिलहाल। ये दूसरी पार्टियां लगी हुई आपस में लड़ने, जाके हम दूसरा गुड्डे कंप्लीट करते हैं। इंचे ओके तो भाइयों, मैंने बाकी गुड्डे भी कंप्लीट कर लिए अब आके। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, छोटे आटे चोर साइज। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिज़ाइन वाले आटे बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।